हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई की साइंस लेसन नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा, हम सब कपड़े पहनते हैं, क्या आपको पता है ये जो कपड़े हम पहनते हैं ये हमें हर मौसम में बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, तूफान से बचाते हैं, सर्दी गर्मी बारिश से बचाते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम कंफर्टेबल हों, और अलग अलग किस्म के भी कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम अलग दिखें, स्मार्ट दिखें। लोग जो हैं, कई लोग साड़ी पहनते हैं, कई लोग कोट पैंट डालते हैं, कोई सूट्स डालते हैं, जीन्स डालते हैं, टी शर्ट्स डालते हैं, कुछ पगड़ी पहनते हैं, कुर्ता पजामा, सलवार कमीज, लुंगी, धोती, हर किस्म के लोग हर किस्म के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो कपड़े हम पहनते हैं क्या आपको मालूम है वो किस चीज के बने होते हैं? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज आपको समझाऊंगी कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो अलग अलग किस्मों की चीजों के बने होते हैं। हम अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कपड़े की बनी होती है, जैसे चादर, बेडशीट, ब्लैंकेट्स जो हम ऊपर लेते हैं, टॉवल हो गए, पर्दे, कर्टेंस, डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर के मैट्स जिससे हम अपने पैर साफ करते हैं, ये अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। इवन हमारे जो स्कूल के बैग हैं, बेल्ट हो गई हमारी, सॉक्स, टाइज, अलग अलग किस्म के फैब्रिक की बनी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास रॉ फॉर्म में जो धागे आते हैं उसे हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है? ट्विस्टेड फॉर्म में जो होते हैं उसे हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास यार्न आता है। यार्न को जब हम सिलते हैं, कोई चीज उसकी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, फाइबर, फाइबर से यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक। एक और चीज, क्या थ्रेड और यार्न में फर्क होता है? जी हाँ, थ्रेड वो जो आप कपड़ा सिलने के लिए कुछ फट जाए कपड़ा तो थ्रेड का इस्तेमाल करते हो, और वो हल्की भी होती है और पतली भी होती है। लेकिन अगर हम यार्न की बात करें तो यार्न जो है उसके अंदर बहुत सारे जो स्ट्रैंड्स है पतले पतले वो ट्विस्ट किए होते हैं, उसे हम यार्न बोलते हैं। जैसे वूल हो गया, बहुत सारे स्ट्रैंड्स इकट्ठे किए होते हैं। कॉटन को अगर आप इकट्ठा करके ऐसे मोड़ोगे तो आप ये कहेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो मुड़े हुए होते हैं। तो वो जो हमारे को कॉटन को मोड़ के चीज मिलती है उसे हम यार्न बोलते हैं। यार्न वो चीज है जिससे आप निटिंग करते हो, वीविंग करते हो, सीविंग करते हो। क्लियर हो गया थोड़ा बहुत डिफरेंस? तो चलिए, फैब्रिक हो गया कपड़ा। अब आप देखते हैं जो टी शर्ट्स, दुपट्टा, सॉक्स, स्कूल बैग, जूट वाले बैग जो हो गए, स्वेटर हो गए, ये अलग अलग चीजों के बने होते हैं, क्योंकि जब आप इन चीजों को टच करते हो कुछ चीजें बहुत लाइट और सॉफ्ट महसूस होती हैं, जबकि कुछ चीजें बहुत स्मूथ, बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी महसूस होती हैं आपको। कुछ बहुत रफ, खुरदरी सी आपको लगती है जब आप उसे टच करते हो। तो जो चीजें हमने देखी, जैसे दुपट्टे को अगर आप टच करते हो हल्का भी होता है, स्मूथ भी होता है, वो कॉटन का बना होता है। स्वेटर जो सॉफ्ट होता है और हमें निग भी देता है वो वूल का बना होता है। अगर हम बात करें जूट की तो जूट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है पर थोड़ा सा रफ होता है। गले की जो टाई है वो स्मूथ होती है और शाइनी होती है क्योंकि वो सिल्क की बनी होती है। तो अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक फैब्रिक ले लो। फैब्रिक कहने का मतलब आप एक कपड़े का एक स्ट्रक्चर ले लो। मान लीजिए जो फैब्रिक आपने लिया वो जूट का लिया, जूट की बोरी का एक स्ट्रक्चर आपने ले लिया, उसको छोटे से हिस्से में आप काट लो, कैंची से उसके चार साइड काट के एक स्क्वायर बना लो। अब आप उसके अंदर से ये देखिए, छोटा सा एक स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे, कोई लूज थ्रेड निकालेंगे या हम बोल सकते हैं यार्न निकालेंगे जूट के अंदर से, तो आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट होता है, यार्न इकट्ठे होके हमारे को वो फैब्रिक देते हैं। तो जूट के वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यार्न बोलते हैं उसे या हम थ्रेड बोलते हैं, जो प्रेजेंट होती है, और अगर आप उसको अलग करें तो एक एक करके आपको लॉन्ग स्ट्रैंड सा मिलता है। तो हमने ये समझा कि जूट का जो फैब्रिक है वो बना हुआ है पतली थ्रेड के साथ, जिनको इकट्ठा किया गया है। थ्रेड को मैंने आपको बताया, थ्रेड को इकट्ठा जब हम कर देते हैं, फाइबर को इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है यार्न। छोटी छोटी थ्रेड को इकट्ठा करो तो हमारे पास आ जाता है यार्न। यार्न जो है उसको यूज किया जाता है डिफरेंट फाइबर बनाने के लिए। तो आप ऐसे याद कीजिए, FYF,
एफ से फाइबर, फिर बनता है यान, यान के बाद बनता है आपके पास फैब्रिक यानी कि कपड़ा। अब मान लीजिए हम देखते हैं ये फाइबर क्या होता है, एक बार फाइबर के ऊपर भी नजर मार लेते हैं, यान तो हमें समझ में आ गया है। अगर आपने फाइबर समझना है कि क्या होता है, तो मान लीजिए आप एक कपड़ा लेते हैं, उसको कैंची से काट दो और उसका एक ढांचा अलग कर लो, एक पीस अलग कर लो, बेशक सुई के साथ अलग कर लो, तो आप देखेंगे एक बहुत पतला सा स्ट्रैंड आएगा आपके पास, जिसे हम धागा बोलते हैं। तो ये छोटा सा जो स्ट्रैंड है, जो कपड़ा है, उसे हम फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद यार्न्स बनते हैं, यार्न के बाद हमारे पास क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। कई बार आपने सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी, वो जो धागा है वो फाइबर होता है, इतना ज्यादा उसके अंदर छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है कि कई बार जो फाइबर होता है वो मुश्किल कर देता है आपको सुई के अंदर से निकालना धागा, होता है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं जो फाइबर्स हैं वो मुश्किल कर देते हैं यान को एक छोटे से होल के अंदर से जाने के लिए। तो आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको दिखाई देगा यान या फिर फाइबर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइबर है, जो रॉ मटेरियल है, जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इकट्ठा करके यान बनाया जाता है। फाइबर दो किस्म के होते हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट है वो दो किस्म का होता है। आपको मैं फाइबर का एक और उदाहरण दे देती हूँ, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो जब आप ये कॉटन लेते हैं और इसके अंदर आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फाइबर। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, उसे हम फाइबर बोलते हैं। तो ये जो फाइबर है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, ये दो किस्म का होता है। एक होता है नेचुरल, जो नेचर से मिलता है, और एक होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो आगे हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं, जैसे कॉटन, जूट, कॉयर, और हमें एनिमल से भी मिल सकते हैं, जैसे कि वूल हो गया, सिल्क हो गया। क्लियर? तो जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें प्लांट फाइबर बोलते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं उसे हम एनिमल फाइबर बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्लांट से मिलने वाले फाइबर को, जिसे प्लांट फाइबर बोला जाता है, और कॉटन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो कॉटन है वो एक सॉफ्ट सा फाइबर है, जो फील्ड्स में उगता है, खेतों में उगाया जाता है, एक मेजर क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। खारिफ का मतलब जो गर्मियों में उगाई जाती है, रबी का मतलब जो सर्दियों में उगाई जाती है। तो ये उगाई जाती है मई से लेके दिसंबर के बीच बीच में उगाई जाती है अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के। तो होता क्या है, कॉटन की इस तरीके की बॉल्स उगती हैं कॉटन के प्लांट के ऊपर, जो इतने साइज की होती है जितना आप कह सकते हैं नींबू का साइज होता है। तो जब कॉटन की क्रॉप जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके अंदर से ये जो बॉल है ऐसे करके फट के निकल जाती है। ठीक है, नीचे प्लांट की स्टेम होती है और ये बॉल ऐसे करके निकल जाती है, और उसके बाद उसे ऐसे पिक कर लिया जाता है जैसे किसी फ्रूट को तोड़ा जाता है। तो ये जो पहला प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पिकिंग, ऐसे करके कॉटन बॉल्स को हाथ से ही पिक कर लिया जाता है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है गिनिंग, नहीं इसे गिनिंग नहीं बोलते, इसे जिनिंग बोलते हैं, जिन से याद रखना। तो जब कॉटन बॉल्स जो हैं, जो ऐसे करके बर्स्ट करती हैं, खिलरती हैं, जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, उसके बाद उसे हाथ से अलग किया जाता है। फिर जो फाइबर है, ये जो फाइबर है इसके अंदर बीज भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, तो बीज को अलग किया जाता है, जिसका बाद में तेल निकाला जाता है या अलग अलग यूजेस में इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो कॉटन है इसको अलग किया जाता है। तो बीज को अलग करना फाइबर से, उसे हम बोलते हैं जिनिंग बोला जाता है। पहले इसे हाथ के द्वारा किया जाता था, और आज की डेट में इसको करने के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक साइड पे आपको कॉटन मिल जाएगा और दूसरी साइड पे आपको बीज मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पिनिंग। जो कॉटन हमें मिलती है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, जो भी हमें कॉटन मिलती है ऐसे करके दबा दिया जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है और उसको ऐसे करके आप ये कह सकते हैं ट्विस्ट किया जाता है, खींच के ऐसे उसको ट्विस्ट किया जाता है, जैसे हम दिवाली में दिया जलाते हुए उसके अंदर ऐसे करके कॉटन डालते हैं। तो आप ये कहिए कि इस तरीके से खींच के फाइबर को उसको यान में बदला जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो यान में बदला जाता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। याद रखिए,
यार्न में बदलने को, फाइबर से यार्न में जाने को स्पिनिंग बोला जाता है। पहले इसको हाथ से ही किया जाता था, हाथ के स्पिंडल का इस्तेमाल करके, जिसको तकली बोला जाता है, या फिर चरखे के इस्तेमाल से, स्पिनिंग व्हील के इस्तेमाल से किया जाता था। चरखा महात्मा गांधी जी ने बहुत चलवाया था, बहुत फेमस करवाया था, खासतौर पर जब देश की आजादी की बात की थी तो लोगों को ये बोला था कि चरखे में बने हुए जो कपड़े हैं वो हमारे स्वदेशी सामान है, उसका इस्तेमाल करो, और बाहर की मशीनों में बने हुए जो ब्रिटिशर्स कपड़े लेकर आए हैं उनको मत यूज करो मत, ताकि उनको जो पैसे मिलते हैं जब हम कपड़े खरीदते हैं वो कम हो जाए, हम अपने कपड़े खुद चरखे में बनाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया, स्पिनिंग जो की जाती है, यार्न निकलता है, वो बड़े स्केल पे की जाती है आजकल स्पिनिंग मशीन के द्वारा। तो स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न है जो निकलता है उससे हम फैब्रिक बनाते हैं, यानी एक किस्म का कपड़ा या स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं जूट की। जूट जो है कॉटन के बाद सेकेंड नंबर पे इम्पोर्टेंट प्लांट फाइबर आता है। जूट लंबा होता है, सॉफ्ट होता है, एक आप कह सकते हैं शाइनिंग प्लांट, चमकीला प्लांट फाइबर होता है, जिसको स्पन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है लंबी लंबी स्ट्रिंग्स के अंदर, और रफ यार्न्स बनते हैं उसके अंदर से। ये एक चीप सस्ता नेचुरल फाइबर है, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है जब प्लांट जो है वो फ्लावर करने की स्टेज पे आ जाता है। आप जूट का प्लांट देख सकते हैं, एक बार इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो जूट की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, उनको इकट्ठा करके पानी में डाल दिया जाता है 10 से 15 दिन तक। वो उस प्रोसेस में क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, जिसमें आप जूट की स्टेम्स को इकट्ठा करके बांध देते हैं, फिर उस बंडल को पानी में सोख होने के लिए रख देते हैं 15 दिन के लिए। जब एक बार वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, उसके बाद सेपरेट कर दिया जाता है जो जूट है, उसको स्टेम से अलग कर दिया जाता है हाथ के द्वारा। आजकल जो फाइबर है उसे वॉश किया जाता है, धोया जाता है फ्रेश वाटर में, और फिर उसके बाद उसको बैम्बू स्टिक्स के ऊपर, बैम्बू की डंडियों के ऊपर रख दिया जाता है, सुखा दिया जाता है धूप में 2 से 3 दिन के लिए। जो फाइबर है उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है यार्न के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जूट के फाइबर है वो टंगे हुए हैं, और उसको फिर यार्न में बदला जाता है। जूट सबसे ज्यादा वहां उगाई जाती है जहां पास में पानी हो, जैसे आप कह सकते हैं असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और जूट के आजकल कर्टेन्स भी बनते हैं, प्लास्टिक ना इस्तेमाल करके बोला जाता है जूट के बैग्स का इस्तेमाल करो, चेयर के कवर्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं जिसमें हम पैर साफ करते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं, सब जूट के बनते हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमें प्लांट से मिलती है, आपने देखा होगा, उसे हम बोलते हैं कॉयर। जो कॉयर है वो एक नेचुरल फाइबर है, मतलब नेचर से हम लोगों को मिलता है। जो कोकोनट का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उससे हमें मिलता है, मतलब ये वाटर प्रूफ होता है, पानी ज्यादा अपने अंदर रखता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करता, और खास तौर पे सॉफ्ट वाटर में तो ये बिल्कुल तबाह नहीं होता। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर मैट्स बनाने के लिए, डोर मैट्स बनाने के लिए, या आप कह सकते हो रस्सियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता है। आपने जरूर देखा होगा कि किस तरीके से कोकोनट फाइबर और जूट प्लांट से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अब यार्न को कैसे बनाया जाता है, पहले ये एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था यार्न क्या होता है। जो यार्न है अगर हम उसको इकट्ठा करते हैं हमारे पास फैब्रिक आता है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो थ्रेड्स होती हैं उसे हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर से बनता है यार्न। तो समझते हैं ये कैसे बनता है। मान लीजिए आपने कॉटन लिया है, ठीक है, कॉटन को आप ऐसे करके अगर पकड़ लेते हैं, एक लंबी डंडी सी बना लेते हैं उसकी, और ऐसे करके फोल्ड करते हैं। अब आप कॉटन को ऊपर को खींचना शुरू कीजिए, बीच में से आपको दिखाई देगा कि उसके स्ट्रैंड्स अलग अलग होके निकल रहे हैं। वो जो स्ट्रैंड्स अलग अलग होके निकल रहे हैं वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली फाइबर को इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिससे आपका क्या बन रहा है, एक तरीके का यार्न बन रहा है। तो जो यार्न है अब उससे हमें बनाना है फैब्रिक। हमारे पास एक लंबा डंडी आ गई है जो फाइबर्स इकट्ठे करके यार्न बना था, अब यार्न से हमें बनाना है फैब्रिक। अब इसके दो तरीके हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है वीविंग,
अब ये वीविंग क्या होता है? वीविंग होता है दो अलग अलग सेट्स जो है यार्न की, उनको इकट्ठा किया जाता है। आपको एक एक्टिविटी के द्वारा समझाती हूँ, पर वैसे आपको बता रही हूँ, यार्न से फैब्रिक तक जाने के लिए दो तरीके हैं, वीविंग करना या फिर निटिंग करना। वीविंग समझते क्या है, दो सेट्स ऑफ यार्न्स को आप क्या करते हो, फैब्रिक में बनाते हो। जैसे मान लीजिए आपने दो तरीके की शीट्स ली, एक रेड और एक येलो कलर्ड पेपर, उसको फोल्ड कर लो, ठीक है, दोनों को आधे में फोल्ड कर लो और उसको लाइनें ड्रॉ करके आप देख सकते हैं पतला पतला एक शीट को काट लीजिए। अब आपने करना क्या है इसके अंदर, मान लीजिए ये एक शीट आपने ली ऐसे करके, इसे फोल्ड कर लिया, ठीक है, देखिए दो हिस्सों में मैंने फोल्ड किया है ऐसे करके। उसके बाद इस शीट में आपने क्या करना है, ऐसे करके बीच में से आपने कैंची के द्वारा इसको काट देना है। एक स्ट्रक्चर ये हो गई आपकी, दूसरी लाइन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरी लाइन, तीसरा स्ट्रक्चर, ऐसे करके, मतलब पीछे का हिस्सा आपने छोड़ देना, बीच में से ऐसे काट देना है। दूसरे वाले को पूरा एंड तक काटना है आपने, अच्छे से एंड तक लेके जाना है, उसे काटना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो फाइबर आपने बीच में से काटा है इसको ऐसे करके खोल देंगे, और जो दूसरे वाला स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये है, इसको आप ऐसे करके इसके अंदर फंसाएंगे, यहां पर ऐसे करके फंसा देंगे, ठीक है, तो रंग बिरंगा दो एक शीट मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो येलो की भी होगी, रेड की भी होगी, अगर आपने कोई और कलर लिया है तो उस कलर की हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप ऐसे करके एक फाइबर के अंदर दूसरा फाइबर फंसा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वीविंग बोला जाता है। आपने ऐसे पक्खे भी देखे होंगे। अब ये जो वीविंग की जाती है ये लूम्स में की जाती है। जो लूम्स है वो हैंड ऑपरेटेड भी होती है, मतलब मशीन जो है उसको इंसान भी चला रहा हो सकता है, और वो मशीन ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड भी होती है कि अपने आप चल रही है। जो कॉटन क्लॉथ है, जो कॉटन का कपड़ा है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो अपने अंदर से हवा को आने जाने देता है, तो इसी वजह से जब आपको पसीना आए तो कॉटन का जो कपड़ा है वो पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसे हवा में छोड़ देता है, इवेपोरेट कर लेता है। तो हम ये कहते हैं कि जब इवेपोरेशन हो रही होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि कूल डाउन करती है हमारी बॉडी, इसीलिए गर्म मौसम में हम कॉटन पहनना प्रेफर करते हैं। अब हम दूसरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं निटिंग। आपने देखा होगा कि निटिंग जो है आपकी मदर भी करती है, आपकी दादी भी करती है, हाथ से भी किया जाता है, मशीन के द्वारा भी किया जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल से मिलने वाले फाइबर, जिसे हम कह सकते हैं जैसे वूल, सिल्क, तो एनिमल फाइबर हो गया एक किस्म का नेचुरल फाइबर। सबसे पहले वूल कहाँ से मिलती है, वूल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ शीप से नहीं मिलती, कैमल से भी मिलती है, याक से भी मिलती है, उनके ऊपर से ना वूल हटाई जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे लड़के अपनी शेव करके अपनी दाढ़ी हटाते हैं, जो एक स्पेशल तरीके का हम क्लिपर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग। एक बार शेयरिंग हो जाती है उसके बाद जो वूल है वो गंदी होती है, उसे साफ किया जाता है, उसके बाद उसे कोम किया जाता है, फिर अलग अलग किया जाता है क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद ये सब प्रोसेस करने के बाद उसको इकट्ठा किया जाता है और उसका एक फाइबर बनाया जाता है। याद रखिए उसका क्या बनाया जाता है, एक फाइबर बनाया जाता है, और ये फाइबर को इस्तेमाल करके हम फिर क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वूलन कारपेट्स बनाते हैं या कपड़े। तो जो वूल है वो काफी फ्लफी होती है और एयर भी रिटेन करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट भी अपने अंदर रिटेन करके रखती है, इसीलिए हम ठंडे मौसम में वूलन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। देखिए सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के। सिल्क वॉर्म ज्यादातर जो चीज खाता है वो है मलबरी पेड़ के पत्ते। अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। एक एडल्ट जो सिल्क वॉर्म होता है वो अंडे देता है मलबरी लीव्स के ऊपर। अंडे जब मैच्योर होने वाले होते हैं उसके बाद उसके अंदर से फटके लार्वा निकलता है, एक तरीके का आप कह सकते हैं जैसे कैटरपिलर होता है वैसा स्ट्रक्चर निकलता है। थोड़े दिन बाद जब वो मैच्योर हो जाता है पत्ते खा खा के, फिर वो अपने आसपास 700 मीटर लंबा एक कुकून बना लेता है और उसी के अंदर बढ़ता है।
फिर वो कुकून फाड़ के उसके अंदर से फुल स्टेज में ग्रो हो जाता है, अपनी पूरी एडल्ट वाली जो बॉडी है वो ले आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब प्यूपा बनता है, जब वो अपने आसपास कुकून बनाता है अपने मुंह से कुछ छोड़ के, वो सिल्क होता है। हम नहीं चाहते कि वो कुकून को रप्चर करके तोड़ के बाहर निकले और हमारे वो जो धागे हैं वो टूट जाए। तो हम क्या करते हैं, जो प्यूपा की स्टेज है जब कुकून बनता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं ट्रेज के अंदर। बहुत ज्यादा मास स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है और ट्रेज पे रख दिया जाता है। जब कुकून बन जाता है उसे उठा के बॉइलिंग पानी में डाल दिया जाता है, जिससे अंदर वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है और फिर जो धागा है उसे धीरे धीरे करके अलग कर लिया जाता है। तो ये जो पालते हैं हम सिल्क को, रेयरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म की, जिससे हमें सिल्क मिलता है, इसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। लास्ट टॉपिक ये है कि नेचुरल फाइबर के अलावा हम लोग कुछ अपनी यूज के लिए सिंथेटिक फाइबर भी बनाते हैं, जो इंसान बनाता है। केमिकल के बने होते हैं ये, जैसे नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इनके ऊपर रिंकल्स, जैसे कपड़ा मुड़ जाता है ना तो वो रिंकल्स भी नहीं आते और आसानी से सूख भी जाते हैं। इनके अंदर जो है एयर आने जाने की जो स्पेस है वो कम होती है, तो आप ये कह सकते हैं पानी भी नहीं एब्जॉर्ब करते, और गर्म मौसम में डालने के लिए ये सिंथेटिक फाइबर्स बिल्कुल ठीक नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ कि ये पानी भी नहीं ज्यादा अपने अंदर रखते। जैसे आप कह सकते हैं सॉक्स का मटेरियल, टूथब्रश हो गया आपका, टूथब्रश के जो ऊपर वाले ब्रिसल्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। कार की सीट बेल्ट्स, कारपेट कुछ बने होते हैं, रोप्स बने होते हैं, स्कूल के बैग्स जो बने होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। क्लियर हो गया? तो हम नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लगती है। तो ये थी आज की क्लास, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन, जो सिल्क वॉर्म है वो कौन से पत्ते खाता है और कौन से स्टेज पे हम उससे सिल्क ले सकते हैं? और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेस है जिससे वूल अलग की जाती है क्लिपर्स का इस्तेमाल करके, शीप या जिन जानवरों से हमें वूल मिलती है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।